आपको मैं दिखाऊं ऊपर जाके कि ये धुंध जो है ना, फॉग अभी से गिरना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें फसलों की साइड पर भाई, वो देखें मिस्त्री जो है वो काम कर रहे हैं अभी तक भी, और 5 बजे वैसे तो ये लोग काम ख़त्म कर जाते हैं, लेकिन अभी तक जो है वो काम कर रहे हैं क्योंकि 2-3 दिन का काम रह गया। ये देखिए हवा से वो फसलें भी जो है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं, और मुझे ऊपर चढ़ते चढ़ते सांस चढ़ गया, फॉग होना शुरू हो गई। आपके इलाके में किस तरह की ठंड पड़ रही है इस दफ़ा? वैसे जो सर्दी पड़ रही है ना, कभी इतनी सर्दी जो है वो पहले नहीं पड़ी थी। हमारे घर में जो पौधे लगे हुए थे वो भी सारे के सारे जो है वो मतलब इस तरह से हो गए हैं कि मंजमद किस्म के। ये देखें शहतूत जो है ना, पहले बहुत हरा भरा हुआ करता था, वो बच्चे अपने बाबा के पास है, वो बाबा को चूना लगा रहे हैं क्योंकि उनसे पैसे मांग रहे हैं। और अभी हमने वाव ये साथ वाली बाजी जो है ना, हर वक्त जो है वो बिल्कुल इनका जो है वो काम शाम किया हुआ होता है, और इनका घर जो है ना है तो वैसे कच्चा लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके बाद मोहम्मद दिखाओ, मोहम्मद ने मीरब का कोट पहन लिया है, और मीरब का कोट दिखाओ, तुम लड़की लग रही हो मोहम्मद, इधर मुंह करो जी, दिखाओ जरा, ग्रीन कलर का कोट है और तुम बिल्कुल लड़की लग रही हो। नहीं नहीं वह सही है, सही है, लड़कों जैसे ही लग रहा है, लड़कों का भी ऐसे ही होता है। कहाँ से? यहाँ से, पता नहीं अभी ये सीढ़ियाँ बता अभी चलने के काबिल भी है कि नहीं, गिर ना जाना। जैनब जाने की कोशिश करेगी, जैनब जाओ 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 जाओ, मैं वीडियो बना रही हूँ तुम्हारी, चले जाओ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाना, सच में चले जाओ, मैं क्या झूठ बोली, आहिस्ता आहिस्ता, 1 2 3 स्टार्ट। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, चुप करो चुप करो, ओ गई ओ गई। तुम अगर वो चली गई तो तुम भी तो जा सकते हो। तो लगता है जी सीढ़ियाँ जो है वो अब काबिल हो गई हैं चलने के, मोहम्मद भी जा रहा है। मोहम्मद डरता हुआ जा रहा है, डरपोक। दोबारा से जाऊँ? वहाँ जाके अब डांस शुरू हो गए। मम्मा फिर से जाऊँ? रहने दो, बस तुमने तो खेल ही बना लिया, बस अब बार बार नहीं जाओ। मम्मा मैं जाऊँगी। और जी हमारे घर का कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप लोगों से दुआ, मैं ये रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ 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 जो है वो दुआ करें कि हमारा घर जो है वो रमज़ान से पहले पहले कंप्लीट हो जाए, हमारा घर जो बन जाए। अभी लेंटर पड़ गया है, अगर आपको दिखा सकूँ तो वो जो आपको खम्बा नज़र आ रहा है ना बड़े वाला, तो उसकी बैक साइड पर ये मतलब आ गई। और क्या है, उनको नजर नहीं आएगा, मैं आपको ऐसे करके दिखाऊंगी। जब हम इस घर से चले जाएंगे तो डेफिनेटली जहाँ पर आपने 8 से 10 साल गुजारे हों उस जगह से आपको प्यार हो जाता है, तो इस जगह को छोड़ना वाकई मुश्किल हो रहा है क्योंकि, लेकिन बच्चों के फ्यूचर के लिए, अच्छी लोकेशन के लिए, अच्छी जगह पर जाने के लिए तो जो है वो थोड़ा सा बंदे को अपनी कुर्बानी जो है वो देनी पड़ती है, क्योंकि चले जितनी देर हमारा यहाँ पर रहना या हमारी रोज़ी लिखी हुई थी यहाँ पर,
तो हम यहाँ पर रहे। अब जिन्होंने ये ले लिया जो बना रहे हैं वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला उनको नसीब करे और अल्लाह ताला हमें वहाँ जो है वो जाकर रहना बसना और खुशियाँ देखना नसीब फरमाए और आप सबको भी अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखें। और कैसर की मैं वीडियो बना रही हूँ, ये है कैसर मोहम्मद हफ्सा का नहीं मीरब की, मीरब का क्लास फेलो। लो जी तुम देख लो हफ्सा, तुम देख लो क्या देख रही हूँ मैं, ये के ये नट की तार है बेटा ध्यान से। तो आप सबने नौ साल हम लोगों को यहाँ पर रहते हुए आठ नौ साल हो गए, पता नहीं आठ के नौ, 2018 में हम लोग यहाँ पर आए थे। तो अभी खुद ही हिसाब लगा लो जी, आपने भी हिसाब लगा के बताने कितने साल हो गए। मेरा इतना मैथ जो है वो अच्छा नहीं है, मैथ अच्छा नहीं है, 16 अपनी क्लासें की हुई हैं वो तो अच्छा है, मतलब इस तरह से गिनती में मेरा मैथ अच्छा नहीं है, जो कि मैं फ़ौरन से बता दूं कितना होता है। बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह से अभी लेंटर पड़ गया हमारे मकानों का, देखें आप अंदाज़ा करें फ्रेंड्स, मगरब की अजानें होने लगी और फॉग जो है वो होनी स्टार्ट हो चुकी है, लोगों ने घरों की बत्तियाँ जला दी हैं, तो जी बत्तियाँ गुल कर दी हैं। ये देखें जी मलबा नीचे पड़ा हुआ जो भी यहाँ से गिराया गया है, और आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही, पता नहीं मुझे क्या जो है वो मेरे सर में पेन जो है वो रहता है। तो जी ब्यूटीफुल सा चाँद भी नज़र आ रहा है आपको और चाँद भी निकल आया है, और मेरी आज तबीयत सारा दिन बहुत ज़्यादा ख़राब रही। और क्यों रही, क्योंकि पता नहीं आज क्या हो गया था, सुबह नाश्ते के वक्त ही जैसे ही मैंने बच्चों को नाश्ता करवा के स्कूल भेजा उसके फ़ौरन बाद ही मेरा सर जो दुखना शुरू हो गया था। वो जो सामने आपको घर नज़र आ रहा है ना, पता नहीं नज़र आ भी रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ा सा ये वाला ये जी, और ये जहाँ पे कपड़े लटके हुए ये इनके सर का घर है। और बच्चों का स्कूल मैं आपको यहीं से दिखा दूँ, तो जहाँ पर वाइट टैंकी पड़ी है, वाइट टैंकी कहाँ है, वाइट टैंकी ये वाली, ये वाली, ये जो वाइट टैंकी आपको नज़र आ रही है ना, ये वाला घर इनका स्कूल है बच्चों का जी, ये दोबारा से ये वाला, ये बच्चों का स्कूल है और ये वाला बच्चों का घर है, ये जिसके ऊपर कपड़े लटक रहे हैं। तो जी साथ ही बच्चों का स्कूल है, फिर अब क्या होगा जब हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ से बच्चे आके तो इधर आया करेंगे। तो अभी मैं दवाई लेने जा रही हूँ, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरा सर जो है वो पता नहीं बीपी हाई होना शुरू हो गया, तो अजानें भी हो रही हैं, तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। क्या हुआ? नहीं दोबारा नहीं, क्या हुआ था स्कूल में? मामा इसका जो इनके जो सर है ना, वो कहते हैं कि ना किस किस को एबीसी आ गया है, इसी क्लास में मोइजा खड़ी हुई उठ के कहती है कि ना सच में जाती है, उठ के सुनाने लग पड़ी है एबीसी एबीसीडी है, मुझे तो सुनाने लग पड़ी है। सर कहते नहीं बच्चे ऐसे नहीं है, सर कहते एबीसी किथे गई सी ना निकले गई सी। ये सर ने कहा तब मुझे हंसी आ गई। आपने नहीं सुनाई एबीसी? नहीं मुझे अच्छी तो थी। सुनाओ जरा एबीसी, खड़े होके इधर इधर को ए बी चुप सुनने दो। ए बी सी डी ई एफ जी, वो ऐसा लिखो। एच के बाद एच के आई नहीं ना, रुक जा सोच के नहीं भी, इतनी इतनी इतना टाइम नहीं, और नीचे नीचे गिनना चाहिए। अच्छा ए बी सी ओ ए बी। तो जी हम हफ्सा को टाइम देते हैं, अभी होने लगी है अजान, तो आपसे मैं अजान की बात में। अभी तक मजदूर काम कर रहे हैं, लगता है ये आज काम खत्म करके ही जाएंगे।